चोरी की वारदातों को लेकर आक्रोशित व्यापारी एसडीएम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। छोटी सादरी में आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़े, करीब 11 लाख रुपए की चोरी। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी नगर में बीती रात हुई चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों ने एसडीएम प्रवीण मीणा को ज्ञापन सौंपकर चोरी की वारदातों का खुलासा करने की मांग की है। व्यापारियों ने बताया कि चोरी की घटनाओं पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस चोरी की वारदातों के घटना के बाद भी खुलासा करने में रुचि नहीं दिखा रही है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद है, जिससे व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों ने बताया कि आधा दर्जन दुकानों में करीब 11 लाख रुपए की चोरी की हुई है। व्यापारियों ने 3 दिन में चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं पुलिस ने घटना का मौका देख चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पूरे व्यापार मंडल इसके लिए दुखी है और इस प्रकार से मेन मार्केट के अंदर जो 5 दुकानों की शटर टूट सकते हैं 20 मिनट के अंदर, तो अगर घंटे दो घंटे का उनको समय मिल जाता चोरों को तो पूरा बाजार ही साफ कर देते। और राज सवाल ये, पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, आधे घंटे तक हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सुबह गश्त लगाई जाए, पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था की जाए, कार्रवाई की जाए और चोरों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए, और नहीं गिरफ्तार हुए तो 3 दिन बाद हम वापस आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे।